नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के समय मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने लघु सचिवालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। नया बाजार में चोरों ने चार दुकानों को बनाया निशाना, करीब 80,000 रुपए चुराए। दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगा दिव्यांग क्रिकेट जगत के हैप कप का आयोजन। आईटीआई भिवानी में किया गया रोजगार मेले का आयोजन। कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर इनेलो का तंज, अहंकार वश हुआ ये हार। सीएम फ्लाइंग के द्वारा किया गया हुड्डा कार्यालय में औचक निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बुधवार को लघु सचिवालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बुधवार को लघु सचिवालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए मुकाम हासिल किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है, इसलिए उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए सभी लोग शिक्षित होंगे तो ही वे समाज में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले बाबा साहेब ने हमेशा शोषितों, वंचितों व महिलाओं के लिए कार्य किए हैं। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम सब यहाँ पर जो बार एसोसिएशन जिला द्वारा जो है आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें यहाँ पर सभी अधिकता वक्तागण और सभी अन्य अलग अलग संगठनों से जो है पदाधिकारीगण और सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और देख के बड़ा अच्छा एक महसूस भी हुआ, जो बाबा साहब का सपना था कि समाज में समरसता का भाव बने, तो वहाँ पर इस प्रकार से सभी अन्य सभी जातियों के लोगों ने जो है इतने अच्छे तरीके से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करी, तो ये सब एक बड़ा अच्छा जो है संदेश जो है देश में जा रहा है इस चीज़ के लिए। और अगले साल के लिए भी हमने कहा कि जिला बार एसोसिएशन की तरफ से और मेरी तरफ से इसी प्रकार का आयोजन अगले साल भी होगा। और बाबा साहब के तीन शब्द हमेशा आप ये पूरे मीडिया में भी दिखाना कि शिक्षित बनो, हर परिवार को, हर बच्चे को शिक्षित बनना है, सबको संगठित रहना है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहना है। तो और वकीलों से बाबा साहब का एक विशेष लगाव था कि वो देश के पहले कानून मंत्री थे, तो वकीलों के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसके हम रक्षक बनकर दिन रात लगे रहते हैं। हम एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया जी हैं और मैं बाबा साहब के चरणों में आदरांजलि अर्पित करती हूँ। और मेरी सच्ची आदरांजलि यही है कि जो भी गरीब व्यक्ति है उनका जो भी लड़ाई होगी वो हम लोग फ्री में लड़ेंगे। मेरी सब सच्ची श्रद्धांजलि बाबा जी को यही है कि हम उनका केस फ्री में लड़ेंगे।
श्री पलाबड़ा में महाराष्ट्र से ही हूँ, तो मुझे भी उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट भी है, साथ ही साथ उन्हीं के कारण आज हम और आप शांतिपूर्वक इस समाज इस देश में रह पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा संविधान बनाया और जिसके सुचारू रूप से हम और आप पालना भी कर रहे हैं, उसके हम पिलर्स भी हैं कि ताकि लोग संविधान कानून सबको सुरक्षित रख सके। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने लघु सचिवालय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, बहुत ही जो है सारे के सारे सब जानते हैं कि बाबा अम्बेडकर जी ने जो संविधान का, जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, वो हमारे को दिया है। ये बहुत ही बड़ा काम कार्य जो है उनके कर कमलों द्वारा हुआ। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया कि जहाँ पर छोटा सा छोटा आदमी जो है वो आगे पढ़ लिख कर जो है आगे बढ़ सकता है और अपने आप को और पूरे देश की तरक्की के लिए जो है पूरी तरह से योगदान दे सकता है। उनका जो योगदान है वो जो है हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो है लोगों को याद रहेगा और आने वाले सदियों में और हमेशा से जो है प्रेरित करता रहेगा कि आगे किस तरह से बढ़ना है। जिन चुनाव संपन्न हुए हैं पांच राज्यों में, किस प्रकार देख रहे हैं हम आज कांग्रेस पार्टी की बात करें? चुनाव देखो, चुनाव तो आते हैं और चुनाव में जीत और हार होती है, ये तो संभव है। आज जो भी हुआ है उसका मंथन जो है कांग्रेस पार्टी बैठकर जरूर करेगी कि क्या बात हुई कि इस तरह के जो है नतीजे आए हैं। और जो जनता जनता जनार्दन जो अपना मत देती है वो सिर माथे के ऊपर। मैम, जेजेपी पार्टी की बात करें, कहाँ खड़ा पाते हैं उनको राजस्थान में जो इतनी जो बुरी हार हुई है, बात करें? महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर तले भाकोठी स्थित विधायक घनश्याम सराफ के कार्यालय में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी एवं पर्यावरण प्रहरी विजय सिंघार भी मौजूद रहे। वहीं बागकोठी स्थित विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। भिवानी के नया बाजार स्थित चार दुकानों को एक ही रात में चोरों द्वारा निशाना बनाया गया। चोरों ने 3 पेंट्स और 1 हार्डवेयर की दुकान में चोरी की। घटना की सूचना पाकर सिटी थाना SHO समेत पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। नया बाजार स्थित 4 दुकानों पर एक ही रात में निशाना चोरों के द्वारा बनाया गया। चोरों ने 3 पेंट्स व 1 हार्डवेयर की दुकान में चोरी की। घटना की सूचना पाकर सिटी थाना SHO समेत पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। दुकानदारों के अनुसार चारों दुकानों में 70,000 से 80,000 रुपए की चोरी की गई है। मामले की सूचना पाकर सिटी थाना SHO विद्यानंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां 4 दुकानों में छत के ऊपर से झाग के जंगले उखाड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्राथमिक जांच में एक युवक CCTV कैमरे में दिखाई दे रहा है। जांच में जो भी सामने तथ्य आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फोन पे नया बाजार से बोल रहा हूं। मेरी दुकान में रात को कोई आदमी ऊपर का कमरे का गेट खोल करके नीचे उतर के गल्ले में से करीब करीब 5,000 रुपये थे वे निकाल के ले गए और LCD वगैरह सारी नीचे डाल के कैमरे वगैरह सारे मोड़ के चले गए। मेरा रामोदार नाम है जी, गोयल पेंट्स स्टोर का मालिक हूँ मैं। रात को सुबह हमने दुकान खोली तो रात को जो ऊपर जब गए तो सारा जंगला सरिये से तोड़ा हुआ था, सरिये निकाले हुए थे। अच्छा, सामान सारा एक्सप्रेस किया हुआ था और बराबर की दुकानें हैं उनके अंदर भी जो चोर गए उनने सरिये वगैरह तोड़े हैं, जंगले तोड़ के अंदर घुसे हैं। जो थोड़ा बहुत कैश था जी दुकान के अंदर जो 10-20,000 रुपये होता है वो ले गए, ज़्यादा कैश नहीं था, जो बड़ा था वो निकाल के ले गए वो। मैं अमित कुमार, नया बाजार में मेरी दुकान है आशीष ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। रात को मेरी दुकान में चोरी होगी, शायद ऊपर से ही कोई आया। 45,000 से 50,000 रुपये थे मेरे पास गले में से पैसे लेके चले गए। अब तो मैंने 112 मिला दिया था, पुलिस आ गई है, अब कर रहे हैं वो कैमरे चेक कर रहे हैं आस पड़ोस के, देखते हैं क्या होता है। दुकान तो अभी कुछ समझ नहीं आया कि कुछ करा है कि नहीं, बाकी कैश ही लग रहा है फिलहाल, कोई है ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं। हैदराबाद के श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर होने वाले दिव्यांग क्रिकेट के हैप कप 2020 मुकाबले की तिथि घोषित कर दी गई है। 28 से 30 दिसंबर तक होने वाले इस मुकाबले में देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी क्रिकेट प्रेमी दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा देखने पहुंचेंगे।
हैदराबाद से भिवानी पहुंचे आईसीएल के फाउंडर आनंद सुका के पिता सी आर स्वामी व पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने पत्रकारों को बताया कि हैदराबाद में आईसीएल के द्वारा यह चौथा हैप कप टी20 मुकाबला होगा, जिसमें देश भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भिवानी से हैप कप टी20 मुकाबला शुरू हुआ था, जो आज देश के कोने कोने में दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म समय समय पर मिलता है और उन्हें अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्थाओं का उद्देश्य यही है कि दिव्यांग खिलाड़ी उच्च बुलंदियों को प्राप्त करें, वे अपने आप को किसी भी रूप में डिसेबल्ड न समझे। वहीं बॉलीवुड व फिल्म सिटी से अभिनेत्री व अभिनेता दिव्यांग खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि आईसीएल के फाउंडर आनंद सुका व इंडिया हेड संगीत सिलवरी के द्वारा हैदराबाद में हैप कप टी20 मुकाबले के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बीसीसीआई से भी जुड़ गए हैं रवि चौहान जो जनरल सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय खिलाड़ियों का बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हमें 15 खिलाड़ी दिव्यांग इकट्ठे करने मुश्किल होते थे, लेकिन आज हमारे 28 राज्य में इतना कंपटीशन है खिलाड़ियों का, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और अब हमने जैसे खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया है तो कई खिलाड़ी कहने लगे कि सर हमारा नहीं हुआ, हम बोले कि नए नए खिलाड़ियों का मौका देंगे। 28 स्टेट में बीसीसीआई के से स्टेडियम में इनकी प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी और बीसीसीआई के सब जगह प्रेजिडेंट सेक्रेटरी हर एक स्टेट के बना दिए और एक एक उनके कोच जो कि उनको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, उनको सब सुविधाएं देते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पहले देखना पड़ता था खिलाड़ियों को, लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी हमारे स्टेट बॉडी ने कम कर। ये पूरा क्या है, एक प्राइवेट यानी हम लोग प्राइवेट हैं, खाली ह्यूमैनिटी सर्विस में हम लोग जा रहे हैं। हमारा पोजीशन ऐसा है, बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़ के जा रहा है और हर साल एक में दो मैचेस रखने का इरादा भी है। सो शायद भगवान उतना ताकत दी है वो भी करेंगे। और जैसे कि पीसी से ही शुरुआत यानी बुनियाद भिवानी से हुआ, जैसे लोहिया साहब रिक्वेस्ट नहीं एक तमन्ना है, अगली हैप कप यानी पांचवी जरूर कोशिश करेंगे भिवानी में ही होंगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिषद भिवानी में बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न जिलों से आए 73 प्रार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से अलग अलग कंपनी द्वारा लिए गए साक्षात्कार के माध्यम से 43 युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया गया। प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने कहा कि देश व प्रदेश में योग्य कौशल युवाओं के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। शिक्षुता व रोजगार के लिए आईटीआई प्रांगण में समय समय पर इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन होता रहता है। इस रोजगार मेले में टाटा मोटर्स, आनंद गुजरात इत्यादि अनेक कंपनियों ने साक्षात्कार के आधार पर 43 योग्य युवाओं को शिक्षुता व प्लेसमेंट हेतु चयन किया गया। स्वरोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को 16,000 रुपए तक का मानदेय दिया जाएगा। और मैं भिवानी आईटीआई में आया हुआ हूँ अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए। गुजरात की कंपनी आई हुई है और ये हमारे पास हमको जॉब ऑफर कर रही है और इसके थ्रू हम बाहर जाके काम करने के बाद सीखते हैं, जो पैकेज भी अच्छा मिल रहा है। आज जो रोजगार मेला आयोजित किया गया है वो हम प्रत्येक महीने आयोजित करते हैं। इसमें कुल आज 5 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें सबसे प्रमुख है टाटा मोटर्स गुजरात की और एशियन ऑटोमोटिव रोहतक यूएन ओमिंडा बहादुरगढ़ से। इसमें कुल 72 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 43 का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें जो गुजरात वाली टाटा मोटर्स कंपनी उसने 18 बच्चों का चयन किया और बाकी हमारे रोहतक और बहादुरगढ़ प्लांट के लिए चयनित हुए हैं। इनकी लगभग एक सप्ताह बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस रोजगार मेले में
सभी टेक्निकल ट्रेड के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ट्रनर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, जिसमें 12,500 रुपए से स्टाइफंड शुरू हो गए, इनका 16,000 रुपए तक मंथली सैलरी रहेगी। जी आज जो मेरा जो ये आज कैंपस है ये भिवानी गवर्नमेंट ITI में, ये मेरा आज यहाँ पे आज 7वां कैंपस है और यहाँ पे मुझे अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट 50 कैंडिडेट अप्रोक्स मिले हैं और सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। और मेरे को ये टाटा मोटर्स जमशेदपुर और टाटा मोटर्स लखनऊ और टाटा मोटर्स पंतनगर के लिए कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट था अप्रेंटिस के लिए और रानी NS के बावल के लिए, जिसमें से मैंने 45 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं रोजगार के लिए। का भविष्य ये है कि 1 साल की वहाँ पे अप्रेंटिस होने वाली है रानी NS के जो बावल में कंपनी, 1 साल की अप्रेंटिस, उसके बाद 3 साल की DET है। 1 साल के बाद इनके यहाँ पे 4,000 से 5,000 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं और DET भी अगर अच्छे बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उसके बाद ऑन रोल करती है कंपनी। ट्रेनिंग है बच्चों को, जॉब के साथ साथ यहाँ पे पढ़ाई भी कराई जाएगी जी। के बाद यहाँ पे पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट बच्चों को मिलेगा और बच्चों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। इसमें क्या है कि 3 साल में बच्चों को पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और साथ में स्टाइपेंड भी इनको यहाँ पे 13,000 रुपए मिल रहे हैं। 3 राज्यों में जीत के बाद खुद BJP से कहीं ज्यादा क्षेत्रीय दल खुश है। भिवानी पहुंचे इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान ने कहा कि कांग्रेस ने अपने अहंकार में देश का नाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलती तो 2% वोट्स के अंतर से न हारती। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से जहां कांग्रेस की करारी हार से BJP की खुशी हर कोई देख रहा है, इस रिजल्ट से BJP से भी ज्यादा क्षेत्रीय दल खुश हैं कि अकेली चलने वाली कांग्रेस की नैया डूब गई। इस खुशी की वानगी भिवानी में भी देखने को मिली, जहां इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद सिंह लोहान ने कांग्रेस की हार को उसके अहंकार की हार बताया। साथ ही उन्होंने इशारों ही इशारों में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को BJP का सहयोगी बताया और JJP पर चुटकी भी ली। बता दें कि इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद सिंह लोहान भिवानी की जाट धर्मशाला में जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनेलो दूसरी पार्टियों की तरह दिल्ली या चंडीगढ़ से पदाधिकारियों की घोषणा नहीं करती, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनकी सहमति से पदाधिकारियों की घोषणा करती है। संगठन के विस्तार का काम लगातार चल रहा है। 25 सितंबर की रैली के बाद जहां सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिला अध्यक्ष बनाए गए, हल्कों के जनरल बॉडी के अध्यक्ष बनाए गए, आज हम सारे साथी भिवानी जिले की जो जिला कार्यकारिणी है, साथ के साथ जो हमारी 17 सेल हैं पार्टी की, उन 17 सेलों के जिला अध्यक्ष, वो सारे लोकतांत्रिक ढंग से सबकी सहमति से सबके बीच में बैठ के सबके नाम हमने तय कर दिए हैं। अन्य पार्टियों की तरह नहीं कि जहां पदाधिकारी चंडीगढ़ और दिल्ली से घोषित किए जाते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय सिंह चौटाला के निर्देश पे एक एक कार्यकर्ता से पूछ के और सारे साथियों ने आज कार्यकारिणी बनाने का काम किया है। क्षेत्रीय दलों का जो महत्व था देश में, वो इन चुनावों ने सिद्ध कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी बार बार अहंकार में ये बात कहती थी कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा के भी कुछ नेता बार बार बयान देते हैं कि हमारे को किसी की ज़रूरत नहीं है, आज वो जब उनके मुंह गिरे हैं सारे प्रदेशों में और उनकी बुरी तरह हार हुई है, तो उसके बाद 6 तारीख की मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई है इंडिया गठबंधन की, जिसके लिए कि बार बार सारे विपक्ष के नेता उनसे निवेदन कर रहे थे भाई आप मीटिंग बुलाओ। तो ये कांग्रेस पार्टी की कमी की वजह से आज विपक्ष इन प्रदेशों में आ रहा है, जहाँ अखिलेश यादव जी की बेइज्जत करने का काम मध्य प्रदेश में किया गया, जहाँ उनको अखिलेश की जगह अखिलेश विखिलेश और हमें उनकी क्या ज़रूरत है। उसी तरह राजस्थान में भी 19.5% वोट अन्य जो उम्मीदवार थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उनके खाते में गए हैं। यदि उनके साथ एडजस्टमेंट कांग्रेस पार्टी करती तो 2% वोटों के अंतर से भाजपा सत्ता में आई है और कहाँ 19.5% मत तीसरे मोर्चे के लोगों को गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने अहंकार में पूरे विपक्ष का और देश का नुकसान करने का काम। इंडियन नेशनल लोकदल तो हरदम तैयार है चुनाव के लिए, चाहे कभी हो जाओ दोनों हो जाओ, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार कभी भी दोनों चुनाव एक साथ नहीं कराएगी। चाहिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रयास कर लो इस बात के लिए, क्योंकि उन्हें पता है
कि जितना गुस्सा केंद्र से सरकार से है उससे दो गुना प्रदेश सरकार से है, तो वो नहीं चाहते कि प्रदेश सरकार का गुस्सा भी उनको भुगतना पड़े। भिवानी के हुडा ऑफिस में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। ब्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार आदित्य रंगा की अगुवाई में की गई इस छापेमारी में पाई गई अनियमितताओं के प्रति यहां कार्यरत कर्मचारियों को चेतावनी दी गई। बुधवार को सीएम फ्लाइंग टीम के द्वारा स्थानीय हुड्डा कार्यालय में औचक निरीक्षण किया गया। इस बारे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार आदित्य रंगा ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा कर्मचारियों के कार्य की जांच की गई है, जिसके दौरान कुछ काम पेंडिंग भी मिला है। वहीं उन्होंने बताया कि हुड्डा की 75.3 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण भी पाया गया है। संबंधित कर्मचारियों को अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं और कर्मचारियों को भी पेंडिंग कार्य पूरा करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री उड़ान दस्ता के साथ हमने औचक निरीक्षण किया। मैं तहसीलदार भिवानी आदित्य रंगा बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहा। संपदा कार्यालय भिवानी में हमने निरीक्षण में यह पाया यहाँ किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं पेंडिंग है। जो पेंडिंग वर्क है वो जैसे रिहायशी प्रमाण पत्र का कुछ है, दो केस उसके पेंडिंग मिले, रीअलॉटमेंट के कुछ केस पेंडिंग मिले, ट्रांसफर परमिशन कुछ पेंडिंग मिली और उसी के साथ साथ फ्रेश बिल्डिंग प्लान जो थे वो दो पेंडिंग मिले। साथ के साथ हमें आज ये पता लगा कि लगभग 75.50 एकड़ पर अतिक्रमण है, हुड्डा की जमीन पर अतिक्रमण है और इसी के साथ सीएम विंडो 20 लंबित है। और अब एक खबर चलते चलते। सरकार की पहल पर शिक्षा निदेशालय द्वारा 16 जिलों में उम्मीद परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनमें एक एक प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति भी की हुई है। इन केंद्रों में राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों, शिक्षकों या उनके अभिभावकों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। भिवानी के उम्मीद परामर्श केंद्र के जिला परामर्शदाता डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने लघु सचिवालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। नया बाजार में चोरों ने 4 दुकानों को बनाया निशाना, करीब 80,000 रुपए चुराए। दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगा दिव्यांग क्रिकेट जगत के हैप कप का आयोजन। आईटीआई भिवानी में किया गया रोजगार मेले का आयोजन। कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर इनेलो का तंज, अहंकार वश हुआ ये हार। सीएम फ्लाइंग के द्वारा किया गया हुड्डा कार्यालय में औचक निरीक्षण। हमारे संग बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।